हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो लेक्चर में प्लांट किंगडम के ही एक और डिवीजन ब्रायोफाइटा की हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा को। थैलोफाइटा हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा, ठीक है ना। वैसे भी अब तो ज्यादातर चीजें पहले ही हो चुकी हैं, पिछले वीडियो लेक्चर्स में काफी अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है ताकि एनसीईआरटी वाला पार्ट वहीं कवर हो जाए, ठीक है ना। अब केवल एग्जाम्पल्स वगैरह और कुछ एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक पॉइंट्स जो बचे हैं इनके डिविजन्स के, उनको देखना है। तो ब्रायोफाइटा से स्टार्ट करते हैं आज। ब्रायोफाइटा की स्टडी को बोलते हैं बच्चों ब्रायोलॉजी। स्टडी क्या बोली जाती है? ब्रायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं और इनमें साथ में पहले मैं पॉइंट बता देता हूं, कुछ अदर नेम्स इसके ब्रायोफाइटा के कौन कौन से बोले जा सकते हैं। याद करो उन पिछले अपने वीडियो लेक्चर्स में जो हमने कुछ एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम से कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाए थे, उसी के हिसाब से इनके नोमेनक्लेचर कुछ और किए गए हैं, नाम दिए गए हैं डिफरेंट नाम। तो जैसे एक तो पॉइंट बताया जाता है कि ये वास्तव में फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, पहली बार एम्ब्रियो जिनमें बने हैं जिन प्लांट ग्रुप्स में, वो ब्रायोफाइट ही है। थैलोफाइटा याद करो नॉन एम्ब्रियोफाइटा था, ब्रायोफाइट इसका मतलब फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा है, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, इनको नाम दिया जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। क्यों नाम पड़ा ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? तो याद करो हमने बात की थी कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये दोनों ऐसे ग्रुप थे जो एम्ब्रियो जूडियोगेम्स थे, या फिर इनमें जूडियोगेमी टाइप का फर्टिलाइजेशन मिलता था। और जूडियोगेमी टाइप के फर्टिलाइजेशन में मोटाइल मेल गेमिट्स वाटर में स्विम करते हुए, मीडियम होता है वहां वाटर, उसमें स्विम करते हुए एग के पास जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं उसका, इसलिए वो जूडियोगेमी का फॉर्म था, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि ये वाटर के लिए, ये वाटर पर डिपेंड करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। और इसलिए ये वाटर से भी इनका रिलेशन आया है, लेकिन एक्चुअल में ये टेरेस्ट्राइल प्लांट है, ठीक है ना। इसलिए इनको नाम दे दिया गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वही ड्वेल नेचर, वाटर में भी और लैंड प्लांट्स भी बने हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये वास्तव में, लेकिन ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइट्स आर लैंड प्लांट और एक्वेटिक प्लांट, देन दे आर टेरेस्ट्राइल प्लांट। और ये पॉइंट है कि ये वास्तव में टेरेस्ट्राइल प्लांट में भी फर्स्ट टेरेस्ट्राइल प्लांट्स, समझ रखो, फर्स्ट टेरेस्ट्राइल प्लांट्स है या फिर फर्स्ट लैंड प्लांट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये लैंड प्लांट है, लेकिन दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर दियर फर्टिलाइजेशन, हेंस दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहां पे मैं बता देता हूं, चलो सुनो, समझ रहा भाई, लिंक क्रिएट करना दिमाग में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर हैबिटेट की मैं बात करूं तो थैलोफाइटा हमने बताया था कि मेजरली ये मेनली मिलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, तो ये तो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना। और ब्रायोफाइट ने पहली बार टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की फॉर्म में यहां पे ये एडेप्टिव हुए हैं, तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट बने हैं, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये फर्स्ट लैंड प्लांट तो बने लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं माने जाते हैं। क्यों नहीं माने जाते हैं? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं वाटर पर उनके फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। और दूसरा रीजन मैं बता सकता हूं कि इनमें एक्चुअल में वेस्कुलर टिश्यूज भी नहीं है, और लैंड प्लांट का एडेप्टेशन होता है कि उनमें ट्रू रूट्स मिले प्लांट्स में। और एक मजे वाली बात यहां पे दिमाग में फिट कर दो कि जैसे जैसे किसी हैबिटेट में वाटर की स्कार्सिटी होती जाती है, वाटर की कमी होती जाती है, ऐसे ऐसे वहां पर मिलने वाले प्लांट्स का रूट सिस्टम मजबूत होता चला जाता है। इसका मतलब सबसे मजबूत, सबसे दमदार रूट सिस्टम जो मिल रहा होगा, सबसे बढ़िया तरीके से डेवलप्ड जाइलम जो मिल रहा होगा, वो वास्तव में डेजर्ट प्लांट्स में या फिर जीरोफिटिक प्लांट्स में मिल रहा होगा, क्योंकि वहां पर वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है ना। और जहां पानी पानी भरा पड़ा है वहां पर वेस्कुलर टिश्यूज की इतनी खास ज्यादा कंडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो जाइलम लेस डेवलप्ड होते हैं वहां पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ब्रायोफाइट ने पहली बार अर्थ पृथ्वी पर कदम तो रखा, फर्स्ट लैंड प्लांट तो बने लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बन पाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट वाटर की है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। इसलिए पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट जो माने गए हैं वो माने गए हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। क्यों माने गए हैं उसका पॉइंट यहां पे ये है
कि ये जनरली ब्रायोफाइट के कंपैरिजन में मोर सक्सेसफुल एंड प्लांट है, और इसलिए सक्सेसफुल एंड प्लांट माने गए हैं क्योंकि इनमें पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज आए। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स जो पहली बार आए हैं वो किसमें आए हैं? टेरिडोफाइट में। और टेरिडोफाइट में जब ट्रू वेस्कुलर ये टिश्यूज अगर आए हैं तो पहली बार हाइट भी किसमें आई है? टेरिडोफाइट में। इसका मतलब ब्रायोफाइट में कोई हाइट भी नहीं होगी, इसलिए कंडक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी इनमें इस तरह की नहीं होती है। तो ब्रायोफाइट में पूरी प्लांट बॉडी ही मेनली किसकी बनी होती है पता है? पेरेन्काइमा की प्लांट बॉडी बनी होती है, कंप्लीट पेरेन्काइमा। जो सिंपल सिंपल एक परमानेंट टिश्यू होता है एनाटॉमी में अगर देखें तो ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। यही थोड़ा बहुत वाटर का भी कंडक्शन कर लेता है, और वैसे भी ये तो बिल्कुल ही मान लो थैलस की फॉर्म है, और थैलस मैंने बताया था थैलस इज ए प्लांट बॉडी विच डिवाइड फ्रॉम ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होती हैं, वो नॉन वेस्कुलर पार्ट होता है, और वो हैप्लॉयड पार्ट होता है जो गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है वास्तव में इन प्लांट्स के केस। ये जनरली थैलस, ठीक है ना। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट हो या वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हो उस प्लांट बॉडी को हम नाम देते हैं थैलस। तो ब्रायोफाइटा का तो अब भी थैलस ये, लेकिन ध्यान रखना ब्रायोफाइटा में एल्गी के कंपेरिजन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा क्या हो चुका है? डिफरेंशिएट हो चुकी है बॉडी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट जो हुआ है बॉडी में वो वास्तव में ब्रायोफाइटा से, और ब्रायोफाइटा से ही पहली बार टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। याद करो हमने एल्गी में बताया था कि एल्गी में कोई टिश्यू फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा में पहली बार टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हाइट नहीं है, पहली बार हाइट टेरिडोफाइट में आई, पहली बार वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट में आए, पहली बार वास्तव में इसीलिए ट्रू रूट स्टेम और लीव्स टेरिडोफाइट में आए। और ट्रू रूट वास्तव में एक तरह से मैं बात कर सकता हूं या वेस्कुलर टिश्यूज की प्रेजेंट एक तरह से एडेप्टेशन होता है टेरेस्ट्रियल रीजन के लिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए। इसलिए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट जिनको माना जाता है वो मानते हैं हम किसको? टेरिडोफाइट को, ठीक है ना। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो ब्रायोफाइटा के कंपेरिजन में ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है ना। इसके अलावा लेकिन वाटर पर तो ये भी डिपेंड है, और इसलिए कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो ये भी नहीं बन पाए बच्चों, ठीक है ना। तो कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट अगर आपको बोलना है ना पहले, तो वो जिम्नोस्पर्म होते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है थैलोफाइट एक्वेटिक है, बाकी लैंड प्लांट्स की कैटेगरी है। एंजियोस्पर्म का सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन थोड़ी सी थीम डेवलप करना है जरूरी है। इसका मतलब ध्यान रखना टेरिडोफाइट से पहली बार हाइट बनी, टेरिडोफाइट में पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज आए, टेरिडोफाइट में पहली बार ट्रू रूट स्टेम और लीव्स आए, इसलिए फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट माने गए हैं। ब्रायोफाइटा के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत। मैं वापस आता हूं अपनी जगह पर, इसके इस तरह से नाम और दिए गए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्लियर है पॉइंट सब? आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट सुनो जरा। इन ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो माना गया है वो वास्तव में एल्गी से माना गया है। एल्गी एक्वेटिक थी, तो कुछ ब्रायोफाइट्स में प्रिमिटिव एल्गी एल्गल कैरेक्टर्स मिले हैं। लाइक मैं अगर बात करूं तो एंथोसरोस एक ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है ना। उस एंथोसरोस में वास्तव में पाइरिनोइड्स ग्रीन एल्गी की तरह मिलते हैं, उसके एक एक क्लोरोप्लास्ट में एक या दो एक या एक से ज्यादा पाइरिनोइड्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इनके मेंबर्स में वास्तव में जो मिलता है वो एयर केनाल्स की प्रेजेंस मिलती है, और एयर केनाल्स की प्रेजेंस जो होती है बच्चों वो एक एक्वेटिक हैबिटेट का क्या होता है? एडेप्टेशन होता है, ठीक है ना। तो एयर केनाल्स की प्रेजेंस के कारण, एयर केनाल्स की प्रेजेंस के कारण, ठीक है ना, इनका ओरिजिन वास्तव में किससे बताया गया है? एल्गी से, कि ये एल्गी जैसे ये, क्योंकि ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है एल्गी जैसा है, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन एल्गी से ही माना गया है। दूसरा पॉइंट बताते हैं हैबिटेट, याद करो हैबिटेट वाला पॉइंट हो चुका है। ब्रायो और टेरिडो का केस बताया था कि ये जूडियोगेमी शो करते हैं, और जूडियोगेमी का मतलब है कि ये प्लांट वास्तव में डिपेंड है वाटर के ऊपर उसके फर्टिलाइजेशन के लिए, और कोई भी प्लांट जो वाटर पर डिपेंड करता है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वो वास्तव में कहां मिलेगा? वो जनरली मिलता है मॉइस्ट सॉइल में, किसमें? मॉइस्ट सॉइल में, ठीक। इसके अलावा डैम सॉइल में, कोई दिक्कत, और वहां पे होती है वास्तव में बड़े बड़े प्लांट्स की शेडो प्रेजेंट होती है, तो ये शेडी रीजन होते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है जैसे एनसीईआरटी ने हमको दो ही ग्रुप बता रखे हैं, एक तो लिवरवर्ट, एक तो कौन सा बताया है? लिवरवर्ट बताया है, और दूसरा बताया है मोसेस, ठीक है ना। इन दोनों के लिए बात करें तो ये दोनों वास्तव में जो मिलते हैं वो इसी तरह के रीजन से मिलते हैं, मॉइस्ट और डैम सॉइल में मिलते हैं, शेडी रीजन से मिलते हैं, जो हिल्स पर मिलते हैं एक्चुअल में। हिली रीजन में इस तरह का पूरा ये एनवायरमेंट डेवलप होता है इनके लिए, ठीक है ना। तो वहां पे ये ग्रो करते हैं,
ठीक है ना। तो ये हैबिटेट है, इसका मतलब इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जूडियोगेमी की वजह से, वाटर पर डिपेंडेंसी की वजह से क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। टेरिडोफाइट में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा, देखेंगे अब, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अभी बताया था कि पहली बार टिश्यू डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ कहां से, ब्रायोफाइटा से। टिश्यू लेकिन बना कौन सा, ये एक्चुअल में कौन सा पैरेन्काइमा टिश्यू इसमें आया है, ठीक है ना। और सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो पूरा थैलस इसका सिंपल परमानेंट टिश्यू का बना होता है, ठीक है। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज पूरी तरह से क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है, कैसे है, नॉन वेस्कुलर। तो इनको नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा बोल दूं क्या, बोल सकते हैं ना, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा। तो ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा है, अदरवाइज बाकी के जितने भी वेस्कुलर ये एम्ब्रियोफाइटा बनेंगे वो कहां से स्टार्ट होंगे, टेरिडो जिम्नोरेंजियो, ये वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटा है, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। कुछ इनके मेंबर्स में अगर मैं देखूं, मैं बताऊं, ठीक है ना, तो ये अलग अलग जोन बताए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें फोटोसिंथेटिक जोन अलग हो जाता है और बाकी की अदर सेल्स जो मिलती हैं, जो नॉन फोटोसिंथेटिक होती हैं, वो अलग जोन डेवलप कर लेती हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये डिफरेंशिएशन मिल सकता है भाई, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्रायोफाइट्स के केस में अगर मैं बात करूं और थोड़ा सा इसको एलोबोरेट अगर पॉइंट को करूं, तो इसमें ट्रू रूट स्टेम और लीव्स क्या होते हैं, इसके थैलस में एबसेंट होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया। ट्रू रूट स्टेम और लीव्स अगर एबसेंट हैं तो उनकी जगह पे इनमें एक्चुअल में रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलती, रूट लाइक स्ट्रक्चर, और रूट लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बच्चों राइजोइड्स। क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। ये राइजोइड्स या तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है ना, और अनब्रांच्ड होते हैं। फिर यूनिसेलुलर जब है तो वो अनब्रांच्ड है जनरली, और दूसरे या फिर होते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, ब्रांच्ड। और जब मल्टी सेलुलर होते हैं तो मल्टी सेलुलर इसलिए होते हैं कि इनमें वास्तव में ये, जैसे ये ब्रांच है तो इनमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें सेल्स कई सारी आ जाती है। तो इस तरह से ये मल्टी सेलुलर ब्रांच, और ये वास्तव में जो होते हैं यूनिसेलुलर के लिए अगर मैं बात करूं तो इस तरह से नजारा होता है, ठीक है ना। लिवर वर्ट के केस में ये यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड है, जबकि ये मोसेस के केस में अगर मैं बात करूं तो मोसेस में वास्तव में ये कैसे मिलते हैं बच्चों, मल्टी सेलुलर ब्रांच मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, एक्चुअल रूट नहीं है, कोई दिक्कत। इसके बाद मैं आगे डिस्कस करता हूं, इन्हीं के जरिए, इन राइजोइड्स के जरिए ये सबस्टेटम से अटैच होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना, रिक्सिया मार्केंसिया इस तरह के जो इनके थैलस जो होते हैं इन ब्रायोफाइट्स के, ये डोर्सल सरफेस इनकी बिल्कुल अलग होती है, अलग टाइप की दिखती है, और वेंट्रल सरफेस अलग दिखती है, ठीक है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल थैलस, ठीक है ना बात। और डोर्सी वेंट्रल थैलस में अगर मैं बात करूं तो राइजोइड्स किधर की तरफ मिलने चाहिए, जिधर से वो अटैच होगा, इसका मतलब वेंट्रल सरफेस की तरफ राइजोइड्स मिलते हैं। सेक्स ऑर्गन्स वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है ना, वो जनरली कहां मिलते हैं, डोर्सल सरफेस पे मिलते हैं, लेकिन राइजोइड्स वेंट्रल सरफेस पे मिलते हैं बच्चों, जो सबस्टेटम से इसको फॉर्मली क्या करते हैं, अटैच करते हैं, अरेसन इस थैलस। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें या तो प्रोस्ट्रेट थैलस होता है, कैसा होता है, प्रोस्ट्रेट थैलस होता है। प्रोस्ट्रेट थैलस वही जिसमें हाइट वगैरह कुछ इस तरह की नहीं है और वो इरेक्ट नहीं होता, बिल्कुल कैसा लेटी हुई ग्रोथ लेता है एक्चुअल में, वो होता है प्रोस्ट्रेट थैलस। अगर मैं बात करूं रिक्सिया के लिए तो उसमें भी ऐसा ही नजारा है, मार्केंसिया के लिए बात करूं तो उसमें भी ऐसा ही नहीं, ये लिवर वॉर्ट्स हैं एक्चुअल, ठीक है ना। तो इनमें प्रोस्ट्रेट थैलस की फॉर्म होती है। अगर इनमें पर्टिकुलर कुछ मेंबर्स, जैसे मैं बात करता हूं लीफी मेंबर्स अगर होते हैं तो इसी थैलस पर वास्तव में छोटी छोटी तीनी तीनी सी लीफ अपेंडेजेस प्रेजेंट, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, और वो मिलती हैं दो रोज के अंदर, दो पंक्तियों में वास्तव में वो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, ठीक है ना। ये इनका केस बताया गया है लिवरवर्ट्स के केस में, ठीक है ना। लेकिन मोसेस के लिए, मतलब साथ में यहां पे मैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी लेके चल रहा हूं। लेकिन अब मैं बात करता हूं मॉस के लिए, मॉस जो होते हैं वो मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, पहले तो ये ध्यान रखो। और इन मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स में वास्तव में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है ना, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर
और इनका दोनों का मैं कॉमन फंडा बात कर रहा हूं, इनमें इरेक्ट अपराइट सिलेंडर एक्सेस होता है, अपराइट सिलेंडर एक्सेस होता है। और यहाँ पे ये वाले पार्ट तो जो है वो याद करो, अभी अपन ने मल्टी सेलर ब्रांच राइजर्ड्स का केस बताया है, तो ये तो राइजर्ड्स वाला पार्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। और ये होता है इसमें अपराइट सिलेंडर एक्सेस, ये मॉस का केस बता रहा हूं। इसके ऊपर प्रेजेंट होती है लीव्स, ठीक है ना, और वो लीव्स स्पाइरली अरेंज होती हैं ऐसे, ठीक है ना, स्पाइरली अरेंज होती हैं लीव्स ऐसे। तो ये एक्चुअल में होती हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो किस तरह से अरेंज है बच्चों, स्पाइरली अरेंज्ड ऑन दिस स्लेंडर एक्सिस। कोई दिक्कत, इस तरह का इनका पूरा की पूरा ये मोसेज में जो प्लांट बॉडी होती है वो इस तरह की बनती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। और यहां पे इसके एपेक्स वाले पार्ट पर ये सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं, ठीक है ना, एपेक्स वाले पार्ट पर ये सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं, ये मान लो कि ये सेक्स ऑर्गन्स। और ऐसा एक डायग्राम हम देखेंगे कि फ्यूनेरिया का एक डायग्राम हमको दे रखा है, ये मॉस है फ्यूनेरिया, रॉक मॉस या कॉर्ड मॉस इसको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह का गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना, ये प्लांट बॉडी इस तरह की है। तो ये मोसेज में इस तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, इसका मतलब मोसेज में ये प्लांट बॉडी में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, लेकिन वो अपराइट एक्सिस पर मिलती हैं, जबकि लिवरवर्ट्स के केस में वो बिल्कुल प्रोस्टेट थैलस होता है, उसके ऊपर डोर्सल सरफेस पर वास्तव में दो रोज में क्या बताई जाती है, लीफ लाइक अपेंडेजेस बताए जाते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो जाओ। इसके बाद में और थोड़ा सा मैं डिस्कस करूं, तो ये रूट लाइक लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम और लीव्स का कोई चक्कर बच्चों इनमें नहीं मिलता है। कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा अपन को रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन अगर हम वही तीनों को लेके चले, वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है, हालांकि एनसीआरटी ने वेजिटेटिव वाला पार्ट भी एसेक्सुअल में काउंट कर रखा है, वो ठीक है अगर, क्योंकि वेजिटेटिव भी एक तरह का तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव में भी कोई सेक्स सेल्स या गैमिट्स नहीं बनते, कोई गैमिट्स का फ्यूजन भी नहीं होता है, इसलिए वेजिटेटिव भी है तो एक तरह का कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वास्तव में इसमें एक तो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, ठीक है ना, या थैलाई प्लूरल टर्म हो जाएगी, ये वेजिटेटिव, हालांकि एसेक्सुअल बता रखा है एनसीआरटी वालों ने, ठीक है। तो थैलस का फ्रेगमेंटेशन, और हर एक फ्रेगमेंट क्या बना ले बना सकता है, नया थैलस तैयार कर सकता है। इसके अलावा कुछ रिक्सिया जैसे ये जो मेंबर्स होते हैं जिनमें थैलस मिलता है, उनमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मिलती है जिनको बोलते हैं ट्यूबर्स, ठीक है ना, तो ट्यूबर्स के जरिए भी इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो इनमें विशेष स्ट्रक्चर्स बनती है कुछ मेंबर्स में, लिवरवर्ट्स स्पेशली अगर मैं बात करूं, और उसमें भी मार्केंसिया का केस देखते हैं जरा। देखो ये वाला आप समझ रहे हो, मार्केंसिया के थैलस है, अभी इसके बारे में बाद में बात करता हूं, ये दो थैलस क्या लफड़ा आ रहा है, ठीक है। अभी मैं पहले बात करता हूं कि इन मार्केंसिया के थैलस की डोर्सल सरफेस पर वास्तव में कुछ विशेष रिसेप्टेकल, स्मॉल रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, उनको हम बोलते हैं गेमा कप, क्या बोलते हैं बच्चों, गेमा कप। ये क्या है, स्मॉल रिसेप्टेकल, ठीक है ना, स्मॉल रिसेप्टेकल कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको गेमा कप नाम दिया जाता है, ठीक है। और इन गेमा कप में स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जो एसेक्सुअल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको नाम दिया जाता है बच्चों गेमी, क्या बोलते हैं, गेमी बोलते हैं। तो इनके दोनों पे देख रहे हो, दोनों थैलस पे ये वास्तव में गेमा कप प्रेजेंट है और उसमें मिलती है गेमी। इस गेमी की स्ट्रक्चर आप और थोड़ा सा मैं यहां पे समझाता हूं, देखो जरा ये देखो क्लियर कट, ये गेमा कप कप लाइक स्ट्रक्चर है, और छोटे छोटे पार्ट आप देख पा रहे हो इसमें, इसमें से एक पार्ट को मैं अगर निकालू ना यहां पर, तो ये गेमा कप इस तरह का, ठीक है ना, और इसमें एट के स्ट्रक्चर में ऐसे, ये एक स्टॉप्ड स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा कई सारी स्टॉप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और इनमें वास्तव में ये मल्टी सेलर होती हैं, सारी स्ट्रक्चर सब सेल्स के बनी होती हैं, तो इनको बोलते हैं गेमी, ये तो है बच्चों गेमी, और ये क्या है, गेमा कप, ठीक है ना,
ये है रिसेप्टर लाइटिस। अब सुनो जरा, अब मैं बात कर रहा हूं, ये गेमी जो है ना, गेमी एक्चुअल में क्या होती है, गेमी होती है, सबसे पहला पॉइंट स्टॉक्ड है, स्टॉक देख रहा लीजा स्टॉक्ड, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये एट शेप्ड स्ट्रक्चर में होती है, एट शेप्ड, मल्टी सेलर है कि यूनि सेलर है, तो मल्टी सेलर है, कई सारी सेल्स होती है, तो ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है बात। इसके अलावा ये ग्रीन है, जैसा कि दिखा भी रखा है कलर से, ठीक है ना, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत। और ये वास्तव में एसेक्सुअल बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एसेक्सुअल बड लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये गेमी वास्तव में इस गेमा कप से सेपरेट होती है, थैलस से सेपरेट होती है, ये गेमी वास्तव में नया क्या बना लेती है, थैलस बना लेती है। ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमी के जरिए स्पेशली लिवरवॉर्ट्स में और उसमें भी मार्केंसिया में जनरली बताया जाता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से मिलती है, देखो डॉर्सल सरफेस पे ये गेमा कप है और उसमें ये गेमी दिखा रखी है, ठीक है ना, ये वास्तव में मार्केंसिया के ही थैलस का पार्ट बताया गया है एनलार्ज करके, ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर ब्रायोफाइट की मैं बात करूं, तो जैसा कि अभी इस डायग्राम में आप देख रहे थे, ये वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट आप ये समझो कि ब्रायोफाइटा में जनरली तो मिलता है मोनोइसियस थैलस, कैसा, क्या बोल रहा हूं, मोनोइसियस, मोनोइसियस का मतलब एक ही थैलस पर दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो या तो ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं बच्चों, मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस के लिए अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जांपल्स आप लिख लेना, अपन को एनसीईआरटी में इस तरह से तो नहीं दे रखा, लेकिन फ्यूनेरिया मोनोइसियस, ठीक है ना, इसके अलावा स्फेग्नम भी क्या है बच्चों, मोनोइसियस, मतलब एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स को ये क्या करते हैं, बियर करते हैं, तो ज्यादातर ब्रायोफाइट तो मोनोइसियस मिलते हैं, लेकिन मार्केंसिया जो होता है वो एक डायोइसियस ब्रायोफाइट है, और डायोइसियस का मतलब है कि मेल थैलस उसका अलग होता है और फीमेल थैलस अलग होता है, जैसा कि अपन को एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं ये दो, ठीक है ना, ये फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया है, ये मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया है। दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं, पहले तो इधर ये वेंट्रल सरफेस है, इधर ये राइजोइड्स देख रहे हो आप, ठीक है ना, यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड्स मिलते हैं मार्केंसिया के केस में, ये इसका डोर्सल सरफेस है, और इस डोर्सल सरफेस पे एक तो गेमा कप प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जब फीमेल थैलस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन इसका जो बच्चा होता है वो वास्तव में होता है आर्किगोनियम। ये जो आप खिला हुआ सा फ्लावर देख रहे हो ना, हालांकि फ्लावर दूर दूर तक ब्रायोफाइट में नहीं मिल सकते, ब्रायोफाइट में क्या फ्लावर तो जिम्नोस्पर्म तक नहीं मिलते ट्रू फ्लावर, तो ठीक है ना, फ्लोरिंग प्लांट तो ट्रू फ्लोरिंग प्लांट तो है ही केवल बच्चों कौन से, एंजियोस्पर्म, ठीक है ना, लेकिन ये इस तरह की स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी ने, और ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, टेबल की फॉर्म में क्वेश्चन आया है एआईपीएमटी में, ठीक है। ये आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम को वियर करने वाली एक वर्टिकल स्ट्रक्चर जो बोली जाती है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम फोर। ये फोर टर्म जो आती है ना, फोर का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर बच्चों, बियरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो ये आर्किगोनियम को बियर किया जाता है आर्किगोनियम फोर, तो ये फीमेल थैलस पर होता है। दूसरा यूनिसेक्सुअल मेल थैलस होता है वो अलग होता है, और मेल थैलस में सेम स्ट्रक्चर है, बस फर्क क्या आएगा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एंथेरिडियम की, याद करो हमने ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स जो बताए थे वो मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम था, एंथेरिडियम को बियर किया जाता है एंथेरिडियो फोर के जरिए, एंथेरिडियो फोर के जरिए, और एंथेरिडियो फोर जो लगा रहता है वो लगा रहता है कहां पे, थैलस, कोई दिक्कत, क्लियर है। तो ये एक्चुअल में सेक्स ऑर्गन्स का केस बताया गया है, अदरवाइज ज्यादातर केस में ये मोनोइसियस केस बनते हैं, तो मैंने बता ही दिया है आपको, ठीक है ना, तो ये रिप्रोडक्शन होता है पूरे ब्रायोफाइट में कंप्लीट, कोई दिक्कत यहां।